ZRUCC की 21वीं बैठक में सुनील आचार्य शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्रीय रेल यात्रियों के सुझावों को 24 बिंदुओं के साथ जबलपुर में GS के समक्ष रखा। गुना स्टेशन को अनुरक्षण डिपो बनाए जाने, जिससे गुना से अन्य महानगरों के लिए गाड़ियों का संचालन हो सके, इंदौर चंडीगढ़ गाड़ी को नियमित संचालित करने, इंदौर अमृतसर को सप्ताह में 3 दिन संचालित करने सहित अन्य मांगों को प्रमुखता से रखा। साथ ही उन्होंने इंदौर छपरा व मालवा गाड़ी को गुना से होकर चलाए जाने, जिससे संवेग शिखर जी व वैष्णो देवी तक सीधी गाड़ी उक्त क्षेत्रवासियों को मिल सके, लुकवासा स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन बनाने और महानगरों को जोड़ने वाली साप्ताहिक गाड़ियों का ठहराव करने, जिससे कानपुर जैसे महानगरों की दूरियां कम हो सके, सहित अन्य मुख्य बिंदुओं को GM के समक्ष रखा। फरवरी को ZRUCC की 21वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें मैंने 25 बिंदुओं को लेकर अपने क्षेत्र के रेल यात्रियों के सुझावों को GM महोदया के समक्ष रखी, जिनमें से मुख्य रूप से तो ये था कि हमारे गुना स्टेशन को अनुरक्षण डिपो बनाया जाए, जिससे गुना से अन्य महानगरों के लिए गाड़ियाँ यहाँ पर संचालित की जा सके। दूसरा था कि लुकवासा स्टेशन जो है, पहले तो स्टेशन खत्म हो गया था लेकिन स्टेशन बनाया गया उसके लिए, तो वहाँ पर क्रॉसिंग स्टेशन रखा जाए, जहाँ से साप्ताहिक गाड़ियों का भी ठहराव किया जाए, जिससे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ राजस्थान की बाउंड्री लगती है, तो सैकड़ों लोगों का बड़े महानगरों में चिकित्सा शिक्षा हेतु आना जाना होता है, तो वहाँ पर साप्ताहिक गाड़ियों का ठहराव किया जाए। तीसरा था अमृतसर जो इंदौर गाड़ी है, उसको 3 सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए, क्योंकि काफ़ी रस रहता है उसमें और काफ़ी वेटिंग भी होती है। इंदौर चंडीगढ़ को पहले पूर्व में मांगा गया था 4 दिन के लिए, तो 2 दिन किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत आवश्यक है इसको नियमित चलाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबी 2-3 माह की वेटिंग होती है, इसलिए इसमें इंदौर जो हमारी चंडीगढ़ गाड़ी है उसको समय परिवर्तन करके, मतलब जो अभी 5 बजे चलती है इंदौर से, उसको 6 या 7 बजे चलाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन वह है जब भी आती है गाड़ी तो 1:30 बजे से पहले गुना स्टेशन नहीं आती है, तो स्टेशन अगर 7 बजे इंदौर से चलाया जाए तो काफ़ी यात्रियों को इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद बेंगलोर के लिए, बेंगलोर एक ITI क्षेत्र केंद्र बिंदु है, वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र भी है वहाँ पर, यहाँ इस क्षेत्र से हजारों हमारे यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने भी जाते हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, चूँकि वर्तमान में कोई गाड़ी यहाँ से नहीं है अभी, तो कोटा से गुना होते हुए विदिशा के लिए एक ऐसा गाड़ी चले जो बेंगलोर तक जाए, जिससे लोगों को इस क्षेत्र को सुविधा मिले। आगे ये जो रखी गई थी कि हमारी जो मेमो गाड़ी है उसको, जो लाइफलाइन चलती थी उसकी जगह गाड़ी को चलाया जाए, तो ये गाड़ी 4 चक्कर लगा ली, चूँकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, उसके लिए भी ये निवेदन किया गया कि इसको 4 चक्कर गाड़ी के लगाए जाएं, और हमारे यहाँ पर जो कार्य चल रहा है स्टेशन का उसको गति मिले, जिससे स्टेशन का अच्छा हो, यात्रियों को भरपूर यहाँ पर सुविधाएँ मिले, प्रतीक्षालय वगैरह और भी चीज़ें हैं। इंदौर अमृतसर गाड़ी है उसको 3 दिन सप्ताह में चलाया जाए, क्योंकि इस गाड़ी से भी बहुत रस रहता है, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी अगर ये सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इस प्रकार से काफ़ी मांगों को रखा है, जिसका रेल महोदया ने आश्वस्त भी किया है कि आगे इसके पास देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।